हेलो फ्रेंड्स, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में टॉप करंट अफेयर्स के कुछ खास और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर को जानने वाले हैं। साथ में इसको जो है डिस्क्राइब भी किया जाएगा ताकि आपका ज्ञान जो है बढ़ सके। तो दोस्तों, इसे शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये बेल आइकन को जो है ऑन करिए ताकि समय समय पर जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, परीक्षा चाहे जो भी हो, करंट अफेयर्स से प्रश्न जो है अधिक ही पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन अगर एक बात और कि अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक बटन जरूर दबाएं और सभी लोगों को जो है शेयर कर दीजिए। तो पहला प्रश्न है कि भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। चार ऑप्शन है और जो हमारा आंसर है वो जस्टिस रंजन गोगोई। ये असम से हैं और इनके बारे में कुछ खास और बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप जान लीजिए। तो 13 सितंबर 2018 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो है इन्हें नियुक्त किया है और ये अपना कार्यभार जो है 3 अक्टूबर 2018 को, जब वर्तमान न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा सेवानिवृत्त हो जाएंगे, उसके बाद से जो है संभालेंगे। जस्टिस गोगोई का कार्यकाल जो है 13 महीने का होगा और वे 17 नवंबर 2019 तक जो है सेवानिवृत्त हो गए। इनके बारे इनका जो करियर है, तो देखिए 28 फरवरी 2001 को गुवाहाटी हाई कोर्ट के ये जज बने थे, यानी इनकी न्यायाधीश बने थे। उसके बाद 12 फरवरी 2011 को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है इन्हें बनाया गया था। बाद में अप्रैल 2012 में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। दोस्तों, यहाँ पर तीन और हैं न्यायाधीश, यानी जस्टिस मदन लोकुर, जस्टिस कुरियन जोसेफ और जस्टिस अर्जन कुमार सीकरी। ये तीनों जो है क्रम में है, मतलब सीनियरिटी के अनुसार जो ये क्रम में है। तो सबसे दीपक मिश्रा के बाद जो नंबर था तो जस्टिस रंजन गोगोई का था, उनके बाद जो है मदन लोकुर है सीनियरिटी में, ये फिर जो है उनसे जो जूनियर है कुरियन जोसेफ, और उनसे जूनियर है अर्जन कुमार सीकरी। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत कब किया है, ठीक है? और आंसर है इसका 15 सितंबर 2018। तो 15 सितंबर 2018 को देश में स्वच्छता ही सेवा अभियान का आरंभ हुआ, जो कि 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाला है। 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन की चौथी वर्ष गांठ है, जबकि 2 अक्टूबर 2019 तक जो है स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य जो है स्वच्छ एवं खुले में शौच से मुक्त भारत का जो है लक्ष्य को हासिल करना है। यानी कि अगले साल तक जो है भारत में जो लक्ष्य रखा गया है कि स्वच्छ एवं खुले में शौच से मुक्त भारत बनाना, और यह स्वच्छता ही सेवा अभियान जो है अगले 2 अक्टूबर तक चलने वाला है। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है कि दिल्ली सरकार द्वारा कितनी सेवाओं के लिए डोर स्टेप डिलीवरी योजना आरंभ किया गया। देखिए, अभी हाल ही में जो 1 जुलाई 2018 को बीपीएससी 63वीं बीपीएससी की जो पीटी परीक्षा हुई थी, उसमें प्रश्न आया था कि डोर स्टेप जो योजना है किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। तो खैर, प्रश्न वहाँ इस तरह था। यहाँ देखिए, प्रश्न थोड़ा सा घुमा कर अब थोड़ा सा सेवा बढ़ गया है, तो यहाँ प्रश्न इसलिए है। तो दिल्ली सरकार द्वारा कितनी सेवाओं के लिए जो है डोर स्टेप डिलीवरी योजना आरंभ की गई है, तो सेवा संख्या बढ़ गया है। तो देखिए, जो आंसर है 40, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस योजना के तहत लोग जो है घर बैठे 40 सरकारी सेवाओं, जैसे कि जन्म और जाति प्रमाण पत्र हो गया, राशन कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते तथा इसके किसी भी सरकारी ऑफिस जाने की जो है जरूरत नहीं है। तो यह इस योजना के तहत, तो जाहिर सी बात, जो आप ऑफिस जाते हैं इन काम के लिए, अब दिल्ली में ऐसा व्यवस्था है डोर स्टेप डिलीवरी, जिसके वजह से जो है घर बैठे ही काम हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 को कौन सी मूर्ति का जो है अनावरण करने वाले हैं। तो अभी समय है, लेकिन फिर भी आप देखिए दोस्तों, जो आंसर हमारा हो जाएगा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन करेंगे ये। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि गुजरात से भी रहे हैं और गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, देखिए तो गुजरात के सीएम
वर्तमान में जो है विजय रूपानी द्वारा घोषणा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति का जो अनावरण करने वाले हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है कि विश्व की सबसे बड़ी समुद्री सफाई अभियान ओशियन क्लीनअप किस स्थान पर आरंभ किया गया है, और आंसर है कैलिफोर्निया, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। तो विश्व भर में समुद्रों से प्रदूषण हटाने तथा समुद्रों की सफाई करने के लिए अब तक का सबसे बड़ा अभियान जो है ओशियन क्लीनअप कैलिफोर्निया से आरंभ किया गया है। प्रश्न नंबर 6 है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार विश्व में प्रत्येक कितने सेकंड में जो है आत्महत्या की घटनाएं हो रही है, ये WHO का रिपोर्ट है, और जो आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा यानी 40 सेकंड में। तो WHO के अनुसार जो विश्व में हर एक 40 सेकंड में जो है आत्महत्या का जो एक शख्स की मौत हो रही है, और 2016 में 15 से 29 वर्ष के कम उम्र वाले व्यक्तियों में मृत्यु का दूसरा सबसे बड़ा कारण जो है आत्महत्या था, यानी कि बहुत अधिक इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, और इसका बहुत सारे काम है मतलब के कारण है, जैसे भावनात्मक वजह से हो या कोई और भी, लेकिन ज़्यादातर तो जो है भाव इमोशन में आके इस तरह के कदम जो उठाए जाते हैं जो कि बहुत ही बड़ा एक तरह से जो है पापी है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि गृह मंत्रालय ने कितने शहरों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए किए जाने वाले उपायों हेतु जो है लगभग 3,000 करोड़ रुपए, यानी कि अगर एडजेक्ट अगर फिगर अमाउंट है वो है 2,919.55 करोड़ रुपए जो है मंजूर किए हैं। तो देखिए ये 8 राज्य हैं, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 8 राज्य। दोस्तों गृह मंत्रालय निर्भया फंड के तहत जो है ये 2,919.55 करोड़ रुपए है जो जारी किए हैं। अब देखिए जो किनको किन शहरों को मिलने वाले, देखिए दिल्ली को तो मिलेगा ही जाए क्योंकि वहीं घटना घटी थी, उसके अलावा मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और लखनऊ को भी मिलेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 की नाको द्वारा, यानी कि नाको का मतलब होता है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन द्वारा 14 सितंबर 2018 को HIV आकलन 2017 रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने लोग जो हैं HIV से ग्रसित हैं, और आंसर है जो हमारा हो जाएगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा यानी 21.4% लोग जो हैं HIV से ग्रसित हैं। तो रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 तक भारत में 21.4 लाख लोग जो है HIV से ग्रसित थे, जिनमें करीब 40% महिलाएँ थी, और पिछले साल HIV के करीब 87,580 नए मामले दर्ज किए गए थे 2017 में, और 69,110 लोगों की एड्स की वजह से जो है मृत्यु हो गई थी। भारत में HIV आकलन का पहला संस्करण जो है 1998 में आया था, जबकि पिछला संस्करण जो कि इससे पहले यानी कि 2017 का जो रिपोर्ट है ये आकलन, हालांकि 14 सितंबर 2018 को ये जारी किया गया है, तो इसे पिछला संस्करण वर्ष 2015 में जारी हुआ था। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है कि किस संस्थान द्वारा एंटी न्यूक्लियर मेडिकल किट विकसित किया गया है, और आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा यानी परमाणु चिकित्सा और संबद्ध विज्ञान संस्थान, ठीक है, जिसको अगर शॉर्ट में कहा जाए तो INMAS कहा जाता है। देखिए 13 सितंबर 2018 को INMAS के वैज्ञानिकों ने स्वदेश निर्मित पहली एंटी न्यूक्लियर मेडिकल किट तैयार करने में कामयाबी हासिल की है। इससे परमाणु युद्ध या रेडियोधर्मी विकिरण की वजह से गंभीर रूप के घायल लोगों का इलाज किया जा सकेगा। एंटी न्यूक्लियर मेडिकल किट के बारे में कुछ खास और महत्वपूर्ण बात है कि वैज्ञानिकों ने 20 वर्षों के निरंतर प्रयासों से इस किट को तैयार किया, और इस किट में लगभग 25 सामग्रियां हैं जिनका अलग अलग इस्तेमाल किया जा सकता है। इनमें विकिरण के असर को कम करने वाले रेडियो प्रोटेक्टर, बैंडेज, गोलियां, मलहम आदि हैं शामिल है। इस किट में हल्के नीले रंग के का गोलियां हैं जो कि रेडियो सेसियस CS 137 और रेडियो थैलियम
आदि के असर को लगभग खत्म कर देती है। यह खतरनाक रसायन परमाणु बम का हिस्सा होते हैं जो कि मानव शरीर को कोशिकाओं का जो है नष्ट करते हैं, जो मानव शरीर के जो कोशिकाएं हैं उसको नष्ट कर देते हैं। परमाणु बम का असर यही होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है कि डेयरी आधारभूत संरचना विकास निधि की शुरुआत 13 सितंबर 2018 को किसने किया, और उत्तर है राधा मोहन सिंह। तो 13 सितंबर 2018 को केंद्र सरकार ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने इंडिया हैबिटेट में डेयरी आधारभूत संरचना विकास निधि का शुभारंभ किया। इस योजना में 50,000 गाँवों में 95 लाख दूध उत्पादकों को लाभान्वित होंगे। इसके साथ ही अनेक कुशल अर्धकुशल एवं अकुशल कर्मियों को परोक्ष या अपरोक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा। योजना का कार्यान्वयन भी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जिसको NDDB कहते हैं द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से संबंधित राज्य के सहकारी दुग्ध संगठनों या दुग्ध फेडरेशन द्वारा किया जा रहा है। सरकार ने इस योजना का क्रियान्वयन 14 राज्यों से बढ़ाकर 18 राज्यों में कर दिया है। इस योजना के अंतर्गत जो है दुग्ध सहकारी संस्थाओं को 8,004 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता ऋण के रूप में 6.5% वार्षिक ब्याज दर पर प्रदान की जाएगी, जिसकी भरपाई जो है 10 वर्ष की अवधि में करनी होगी। आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कितने FDC दवाओं पर प्रतिबंध लगाया है। हालांकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये और परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस बात को भी ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों देखिए, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 328, ठीक है, 328 दवाओं पर प्रतिबंध लगाया है। तो इसके बारे में कुछ और खास बात जान लेते हैं। देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आमतौर पर प्रयोग में लाई जाने वाली 328 दवाओं पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। स्वास्थ्य मंत्रालय के तकनीकी परामर्श बोर्ड द्वारा की गई सिफारिश के तहत यह निर्णय लिया गया है। सिर दर्द समेत कई दवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस प्रतिबंध से जो है 1.18 लाख करोड़ रुपए के फार्मा उद्योग से 1500 करोड़ रुपए का कारोबार जो है बंद हो सकता है। देखिए, यहाँ पर FDC जो है इसको फुल फॉर्म देखा जाए तो फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन कहा जाता है, और इसमें होता है कि दो दवाओं को मिलाकर जो एक दवा बनाया जाता है। तो इसी को जैसे आप देखते हो कई दवाओं पर जो कॉम्बिनेशन जो होता है कई तरह के रहते हैं, यानी कि कभी कभी अगर आप लेते हैं कोई दवा तो उसमें दो तरह का दर्द का भी होता है और बुखार का भी होता है। तो कई दवाओं को मिलाकर जो है दवा तैयार किया जिसको FDC कहते हैं। देखिए, 328 FDC या निश्चित खुराक, जिसको अगर हिंदी में शुद्ध अगर हिंदी क्या किया जाए तो निश्चित खुराक संयोजन बोला जाता है, कि उत्पादन बिक्री अथवा वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया था तत्काल। अब देखिए कौन कौन दवा था जो प्रमुख दवा जो कि हम लोग आम जीवन में ऐसे ही खरीद के खा लेते हैं। देखिए, सेरीडॉन, डी कोल्ड, जिनटॉप, सुमो, जीरोडॉल, फेंसीडिल, विक्स, एक्शन 500 जो कि सर्दी में आता है, कोरेक्स आदि, और कई तरह के एंटीबायोटिक्स, उसके बाद पेन किलर्स, शुगर और दिल की रोगों की दवाएं भी शामिल हैं। माना जा रहा है कि सरकार जो है 500 और FDC दवाओं पर जो रोक लगा सकती है, जो कि बहुत बड़ी बात है और भारत के लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, इस वीडियो में ही तक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी इसी तरह के आपको वीडियो मिलेंगे रोज प्रतिदिन, जब भी इम्पोर्टेंट जब आएगा। उसके बाद शेयर कीजिए, सभी को शेयर कीजिए, बता दीजिए कि इस तरह का जो है वीडियो जो कितना इम्पोर्टेंट है, और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक करने से वीडियो की क्वालिटी पता चलती है। अगर नहीं पसंद हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कल या बराबर जो है जो वीडियो अपलोड किया जा रहा है जिसका फ़ायदा लेने से आप चूक नहीं जाएँ। तो दोस्तों, इस वीडियो में तक, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।